पाकिस्तानी अवाम ने फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस को अब संजीदा लेना छोड़ दिया है, ये दावा जावेद चौधरी ने किया। सिर्फ ये दावा ही नहीं किया बल्कि इस पर अगला मुतालबा भी कर दिया। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ की जेर सदारत हुई और इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम फैसले करने के हवाले से तफसीलात सामने आई, जिसमें खास तौर पर डिजिटल दहशतगर्दी पर क्रैकडाउन का इशारा दिया गया। लेकिन जावेद चौधरी का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम अब फॉर्मेशन कमांडर को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और मुमकिन तौर पर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस से ऐसे फैसले शायद आखिरी बार किए गए हैं, आइंदा नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अवाम ये समझते हैं कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में तमाम स्टेक होल्डर बैठते हैं, दो चार लाइनें दे देते हैं और 9 मई के हवाले से एक बयान दे दिया जाता है, लेकिन इस पर हतमी तौर पर कुछ नहीं किया जाता। ये दावा जावेद चौधरी ने क्यों किया और उन्हें ये दावा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन वादे रहे कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा, इस अज़म का इजहार किया गया था। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना है और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरू अजायम से पूरी तरह बाखबर है। इन नापाक कुवतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी इंशाल्लाह। ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अपने अजम का इजहार किया। अब जावेद चौधरी समेत कुछ सीनियर सहाफियों और यहाँ तक के सियासदानों की जानिब से कहा जा रहा है कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में जिस अजम का इजहार किया जाता है, इस पर अमल करते हुए 9 मई के मुजरिमान और मुलजिमान को हतमी तौर पर सजा नहीं दी जा रही। शायद जावेद चौधरी भी ये चाहते हैं कि 9 मई की बुनियाद पर इमरान खान को सियासी मंजरनामे और सियासी तस्वीर से मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया जाए और इस पर फौरी कार्रवाई शुरू की जाए। अब इमरान खान के सियासत में रहने का सबसे बड़ा नुकसान पीएमएलएन को है और पीएमएलएन भी ये चाहती है कि किसी तरीके इमरान खान की फौज से मुसलसल लड़ाई रहे और वो सियासी मंजरनामे से आउट हो जाएं। यही वजह है कि राणा सनावला ने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात में अदालती प्रोसेस स्लो रहा और इदारा अगर इस पर कोई हमसे गिला करता है तो उनका यह गिला और शिकायत जायज़ होगा, क्योंकि हम 9 मई वाले लोगों को फौरी तौर पर सजा नहीं दे सके।